लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे ही सलमान खान की कार तिहाड़ जेल के सामने आकर रुकी, हर कोई हैरान होकर एकटक बस उनकी कार को ही देखे जा रहा था। तभी उनकी कार का दरवाजा खुला और कुछ सलमान खान बाहर निकले। तभी एक पुलिस वाला उनके पास दौड़कर जाता है, लेकिन फिर सलमान खान ने उस पुलिस वाले से जो बात पूछी, पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान जो कि बॉलीवुड के भाईजान हैं, वह इस समय काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय सलमान खान सहित उनके पूरे परिवार के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है, जिसके बाद सलमान खान और उनके पूरे परिवार की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। सलमान खान की रातों की नींद उड़ने की वजह अभी अभी उन्हें मिली एक जानलेवा खुली चेतावनी है, जो कि एक बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को ईमेल के माध्यम से दी है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वह जल्द से जल्द सलमान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके जीवन को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस चेतावनी के बाद सलमान खान के घर के बाहर काफी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर हैं जिसने सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर किया था और अभी भी वह जेल में बंद हैं। लेकिन फिर भी उनका इतना खौफ है कि वह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है, और अभी अभी उसने जेल से एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमे उसने सलमान खान को खुलेआम जानलेवा धमकी भी दी है और कहा है बस सलमान खान की सिक्योरिटी और गार्ड हटा दो। इसका आप वीडियो देख सकते हैं। बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है, वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है, इसके साथ ज्यादा होगी ना सर, बात ये है। इस इंटरव्यू को देखकर सलमान खान भी निडर होकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे हुए हैं। आपको क्या लगता है, वहां सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच क्या बात हुई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।